कर चुकी हूँ मैं। और अब जो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट नेम रिएक्शंस, जो कि जिनके थ्रू हम वहां पर एमाइड से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें पहला जो रिएक्शन है वो है गैब्रेथेलेमाइड सिंथेसिस, इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। और बोर्ड्स के पेपर के अंदर गैब्रेथेलेमाइड या फिर होफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दोनों में से एक क्वेश्चन है वो जरूर आता है, चाहे वो नेम रिएक्शन के फॉर्म में आए चाहे वो कन्वर्जन के फॉर्म में आए। तो इनको बहुत अच्छे से हमें समझना है यहाँ पर। गैब्रेथेलेमाइड सिंथेसिस सबसे पहले तो यूज किसके लिए होता है, कौन से टाइप का एमाइन हम बना सकते हैं, क्योंकि तीन टाइप के होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसमें से जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो होगा 1 डिग्री एमाइन, जिससे हम 1 डिग्री एमाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत बार आ चुका है वो ये आ चुका है कि व्हाई वी कांट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन बाय गैब्रेथेलेमाइड सिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड के अंदर, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर ये लिखना है कि यहाँ पर जो हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो थैलेमाइड न्यूक्लियस और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करेंगे। अब अगर मेरे को वहां पर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन बनाना होगा तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की जगह मुझे लेना पड़ेगा एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यहाँ पर लेना पड़ेगा। और एराइल हैलाइड में जनरली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो नहीं करता है, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो जनरली वो रिएक्शन है वो नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन के लिए यूज होती है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन के लिए रिएक्शन है वो यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे पाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन एराइल हैलाइड, और वी कैन से इट इज sp2 हाइब्रिड। इन वजह से वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो थैलेमाइड के साथ में नहीं दे पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज है इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है, बहुत पहले भी आ चुका है। अब हम देखते हैं रिएक्शन किस तरीके से होगा। तो थैलेमाइड का जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मूला ये है, बेंजीन एमाइन के लिए CuNH2 आता है। अब यहाँ पर थैलेमाइड के अंदर 2 Cu लगाने हैं और बीच में आ जाएगा यहाँ पर NH। जनरली तो भाई हमको पता है एमाइड CuNH2 होता है। अब यहाँ पर CuCu और बीच में दोनों को हमने जिससे मर्ज कर दिया, दोनों को फ्यूज करवा दिया, NH बीच में आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे थैलेमाइड। अब इसके साथ में अगर हम KOH रिएक्शन कराते हैं तो KOH में से यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये OH और ये H मिलकर बना लेगा वॉटर, वॉटर बना लेगा और N के साथ में कौन जुड़ जाएगा यहाँ पर K जुड़ जाएगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई RX के साथ में, जब हम RX के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से K और यहाँ से X, तो माइनस क्या हुआ KX, और N के साथ में कौन जुड़ जाएगा R जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन गया एल्काइल थैलेमाइड इस तरीके से। अब यहाँ तक अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूं तो अगर मुझे यहाँ पर प्राइमरी एमाइन बनाना है तो R NH2 आता, तो R और N तक तो हम पहुंच चुके हैं, अब और क्या चाहिए, 2H और चाहिए। तो हमने क्या कराया, यहां से हाइड्रोलाइसिस कराया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, हमें क्या चाहिए, H दो मॉलिक्यूल्स आए NOH के, इधर आ गया कैच और इधर आ गया, और NaOH में से बाकी क्या रह जाएगा ON। ये फॉर्मूला क्या होता है, NaOH NaOH, हमें H चाहिए इधर आ गया, ONa इधर आ गया, उसी तरीके से यहां पर भी ONa इधर आ गया। तो अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो RNH2 और यहां पर क्या रह गया COONa COONa, तो हमें ये मिल गया यहाँ पर प्राइमरी एमाइन RNH2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम थैलेमाइड के थ्रू 1 डिग्री एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बन सकता है कि वाई वी कांट प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, तो कॉज क्या होगा, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलाइड। ये रीजन बताना है।
जो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर रिएक्टेंट लोगे, एमाइड लेते हैं जनरली हम इस सेक्शन में, वो हमसे यहाँ से पता चलता है एमाइड लिखा आपको ब्रोमेमाइड एमाइड तो ये रहा एमाइड, ब्रोमे तो ब्रोमी ये रहा ब्रोमी, हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नेम हो गया, तो इस नाम से पता चल रहा है कि हमें रिएक्शन में लेना क्या क्या है। ब्रोम मतलब ब्रोमीन ले लिया, एमाइड मतलब R2CO आ गया। अब यहाँ पर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, डिग्रेडेशन का मतलब कम होना, एक कार्बन आपको एमाइड से कम मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पर R लिखा हुआ है CO लिखा हुआ, तो ये CO बीच में से डिसअपीयर हो जाएगा और प्रोडक्ट में सिर्फ आपको मिलेगा RNH2। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन आप किसके साथ में करवानी है, एमाइड प्लस ब्रोमीन और NaOH के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो अब यहाँ पर एक कार्बन कम कर दिया तो ये बीच में से हटा दिया तो ये बन गया RNH2। अब बाकी जो चीजें हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगी, तो CO यहाँ से निकला और यहाँ से ये NaO और इसके साथ में मिलकर बना लेगा Na2CO3। फिर यहाँ पर दो Na और Br आपस में मिलकर क्या बना लेंगे NaBr। अब ये जो H बच रहा था तो वो मिलकर क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर H2O वाटर है वो फॉर्म कर लेगा। तो मेन जो चीजें हैं तो प्राइमरी एमाइड CO इधर से क्या बना लेगा Na2CO3 और बाकी यहाँ पर दो सोडियम और दो ब्रोमीन मिलकर NaBr और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन भी किसके लिए यूज आती है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1° amine। इस रिएक्शन के अंदर भी हम क्या बना सकते हैं, ओनली 1° amine ही हम प्रिपेयर वो करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, नेम द एमाइड विच कैन गिव प्रोपेन एमाइड, आपको उस एमाइड का नाम बताना है जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, प्रोपेन एमाइड बना सकते हैं थ्रू दिस रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो उस एमाइड का नाम क्या होगा, अब मेरे को दिमाग लगाना होगा कि भाई एमाइड में वहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उससे नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में कार्बन क्या होगा हमेशा एक कम मिलेगा, अभी लिखा आपको 1 carbon इज लेस देन प्रेजेंट इन एमाइड। ठीक है, तो 3 में 1 आप जोड़ दो तो कितना हुआ, 4 हो गया। तो यहां पर